नमस्कार आदाब जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद जेमी इन एसोसिएशन विद डैफा न्यूज। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए टीम इंडिया की रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा हाल ही के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से जो रोहित शर्मा की टीम 2-1 मार्जिन से जीती। शुरू करते हैं कप्तान से। रोहित शर्मा ने 6 पारियों में 242 रन बनाए जिसमें से 120 उनकी पहली पारी में आए नागपुर टेस्ट मैच में टीम इंडिया को जीत की राह दिखाकर। मगर उस शतक के बाद रोहित एक बार भी 40 तक नहीं पहुंचे। दिल्ली मैच में रोहित ने 32 और 31 बनाए, एक बार बोल्ड होके और दूसरी बार रन आउट होकर। फिर इंदौर में वो स्पिन की लेंथ को समझ नहीं सके और फिर अहमदाबाद ड्रॉ में उन्होंने 35 बनाए। इंदौर मैच के 6 ओवर में जिस तरह से रोहित आउट हुए स्पिनर पे आगे बढ़ के स्टंप होकर, ये मेरे हिसाब से पूरी सीरीज का सबसे इररिस्पॉन्सिबल शॉट था। रही बात रोहित की कप्तानी की, तो जब पिच घूम रही थी उन्होंने ज्यादा कुछ खराब नहीं किया, मगर लगा कि अक्षर पटेल को ज्यादा ओवर्स दे सकते थे। और इंदौर मैच के आखिरी दिन पे न्यू बॉल क्यों ली ये समझ नहीं आया मुझे। अहमदाबाद मैच में रोहित के फील्ड प्लेसमेंट भी कुछ ऑफ लगे मुझे और बाद में उन्होंने माना भी कि इस सीरीज में कई गलतियां हुई। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को 10 में से 6 अंक मिलते हैं इस सीरीज के लिए। केएल राहुल ने पहले 2 टेस्ट मैच खेले और जिस तरह से वो आउट हुए 3 पारियों में, इससे मालूम पड़ा कि टीम ने उन्हें शुभमन गिल की जगह पहले मैच से खिलाकर गलती करी। 3 पारियों में केवल 38 रन, 12 की औसत से बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। इनका सीरीज हाई पॉइंट था एक बेहतरीन डाइविंग कैच दिल्ली मैच में। राहुल को 10 में से 2 अंक मिलते हैं। तीसरे मैच में राहुल को शुभमन गिल ने रिप्लेस किया और दोनों पारियों में वो नहीं चले, खासकर सेकंड इनिंग्स में जहां गिल ने बहुत ही गंदा शॉट खेला। फिर भी टीम ने उन्हें बैक किया अगले मैच में और 23 साल के गिल ने अपना दूसरा शतक लगाया, एक शानदार 128 जिसके सहारे इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के 480 रन के जवाब में जोरदार स्टार्ट मिली। इन 3 इनिंग्स गिल स्कोर 154 रन एट 51, गिविंग हिम अ सीरीज रेटिंग ऑफ 7/10। इस सीरीज में चेतेश्वर पुजारा ने अपना 100th टेस्ट मैच खेला, मगर अफसोस है कि वो एक ही पारी में 50 तक पहुंचे। नागपुर में पुजारा एक बहुत ही लूज बॉल को स्वीप करके आउट हुए। दिल्ली की जीत में पुजारा ने डक के बाद चेस खत्म करी तीसरे दिन पे 31 बनाकर। इंदौर में उन्हें एक अनप्लेएबल डिलीवरी ने आउट किया और उसके बाद 50 बनाकर जब वो सेट थे तो स्टीव स्मिथ ने एक फ्री कैच से उनकी पारी खत्म करी। आखिरी मैच में बहुत अच्छे देखे पुजारा बिफोर ही वॉज LBW फॉर 42। नॉट अ वेरी सॉलिड सीरीज फॉर पुजारा, हेंस अ रेटिंग ऑफ 5/10 इन दिस रिपोर्ट कार्ड। This was a mixed bag of a series for Virat Kohli, who finished as India's highest run getter with 297 at an average of 49, जो कि उस्मान ख्वाजा के 333 के बाद ही है, क्योंकि कोहली के 297 रन में से 186 उनकी आखिरी पारी में आए जहां बैटिंग पूरी सीरीज में सबसे आसान थी। अहमदाबाद से पहले कोहली ने 12, 44, 20, 22 और 13 बनाए। उनकी पहली नॉक एक लूज शॉट और अच्छी लेग साइड कैच पे खत्म हुआ और फिर दिल्ली में जो 44 बनाए कोहली ने एक मुश्किल पिच पर, वो अच्छी पारी थी। इंदौर में कोहली नहीं चले और फिर अहमदाबाद में उन्होंने 1205 दिन के बाद टेस्ट मैच में शतक लगाया, विच स्टैंड्स एज कोहली सेकंड लॉन्गेस्ट टेस्ट 100 एवर। For handling spin better than most of his teammates and then putting the team before self in the last match, Kohli gets a rating of 7/10. With Rishabh Pant out for a long time, KS Bharat got a chance to make his debut and play all 4 matches as India's first choice wicketkeeper. Bharat ki keeping kabhi bahut smooth thi, jaise ki Nagpur match mein jab unhone Marnus Labuschagne ko furti se stump kiya, aur Delhi aur Indore matches mein unhone acche catches bhi pakde spin bowlers pe. मगर भरत ने कैचेस भी छोड़े, मोस्ट ग्लेयरिंगली 2-1 इनिंग्स इन अहमदाबाद। ऊपर से इनकी बैटिंग भी कुछ खास नहीं थी एक्सेप्ट फॉर द सक्सेसफुल चेस इन दिल्ली वेयर ही गॉट अ क्विक 23 नॉट आउट एंड देन द फाइनल मैच वेयर ही प्लेड सम वेरी गुड शॉट्स इन हिज 44। पंत के गैर हाजिरी में इन्हें चांसेस मिलेंगे, मगर इस सीरीज के बेसिस पे अभी भी भरत को बहुत काम करना पड़ेगा अपनी कीपिंग और बैटिंग पर। ही गेट्स 5/10 फॉर द BGT। श्रेयस अय्यर ने नागपुर मैच मिस किया बैक इंजरी के कारण और आखिरी मैच में उसी बैक स्ट्रेस ने उनको बाहर किया। जब वो हक से दिल्ली मैच में वापस 11 में आए तो अय्यर ने 12 और 4 बनाए,
पहली पारी में थोड़े अनलकी थे मगर दूसरे पे अपनी ही जल्दबाजी से आउट हुए। इंदौर मैच में गलत शॉट से अय्यर बोल्ड हुए डक के लिए और फिर 26 पे थे जब ख्वाजा ने एक शार्प कैच लिया। अहमदाबाद ने बैटिंग नहीं कर सके अय्यर, तो ऑन द बेसिस ऑफ 4 इनिंग्स एंड 3 गुड कैचेस ही गेट्स 3 आउट ऑफ 10। रविंद्र जडेजा ने 6 महीने बाद इस सीरीज में वापसी करी और 4 मैच में 22 विकेट लिए और 135 रन बनाए। पहले 2 मैच में उन्होंने बहुत विकेट लिए अच्छी गेंद डाल के और नागपुर और दिल्ली में प्लेयर ऑफ द मैच रहे 7 विकेट और 70 रन बनाने के बाद और 10 विकेट लेने के लिए। इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के पहले 4 विकेट जडेजा ने लिए परंतु अच्छी लय में नहीं दिखे और फिर इतने नो बॉल्स डाली उन्होंने इस सीरीज में कि लोग हैरान रह गए ये देखकर। उस 70 के बाद जडेजा की बैटिंग भी थोड़ी ऑफ हो गई। जिस तरह से वो अहमदाबाद में 80 गेंद खेलने के बाद बड़े शॉट की कोशिश में आउट हुए जब कोहली का साथ देना जरूरी था, ये खराब लगा। जॉइंट प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे जडेजा रविचंद्रन अश्विन के साथ और इन्हें मैं 10 में से 8 पॉइंट देता हूं। अश्विन ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए इस सीरीज में 25 और हर मैच में इनका योगदान रहा। नागपुर में 8 विकेट विच इंक्लूडेड अ 5-4, दिल्ली में 6 विकेट विच इंक्लूडेड सम बिग नेम्स, इंदौर में 4 विकेट और फिर उस बहुत ही अनफॉरगिविंग अहमदाबाद ट्रैक के ऊपर अश्विन ने एक इनिंग्स में 6 विकेट चटकाए। हिज बैटिंग वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट हाउएवर, खासकर जिस तरह से अश्विन आखिरी मैच में आउट हुए जब कोहली 200 के करीब थे और इंडिया की लीड बढ़ती जा रही थी। But still, another dominant home series for Ashwin, who gets 8 out of 10 as well. Akshar Patel charo match khele as India's third spin bowling all-rounder. Magar Ashwin aur Jadeja ke mukable mein, Rohit ne unhe bahut kam overs diye. Matlab, Akshar ne takriban 50% kam overs dale Ashwin aur Jadeja ke barabar mein. Aur un 86 overs mein sirf 3 wicket mile. मगर अपनी बैटिंग से जो अक्षर ने टीम के लिए करी वो सबसे इंपॉर्टेंट था। 264 रन 88 की एवरेज से और 5 इनिंग्स में 350। नागपुर मैच में अक्षर ने पारी को संभाला 84 रन बनाकर, फिर दिल्ली मैच में एक बार फिर से 74 रन के साथ। इंदौर में दोनों बार अक्षर नॉट आउट थे जैसे विकेट्स बेकार में गिरने लगे और फिर आखिरी टेस्ट में भी एक बार फिर से उन्होंने 50 लगाए 4 छक्के मारकर। बाय फॉर इंडियाज मोस्ट सॉलिड एंड मोस्ट रिलायबल बैट्समैन ऑफ द सीरीज अक्षर गेट्स 8 आउट ऑफ 10 इन दिस रिपोर्ट कार्ड। जिस सीरीज में दोनों टीमों के स्पिनर्स ने 95 विकेट निकाले उस सीरीज में मोहम्मद शमी को 9 मिले 28 की औसत से। सारे पेसर्स में से शमी ने सबसे ज्यादा ओवर डाले 69 और अच्छे विकेट्स भी लिए, खासकर दिल्ली मैच में स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। बाकी मैचेस में स्पिनर्स ने मैक्सिमम ओवर्स फेंके और फिर अहमदाबाद जैसी पिच पर शमी क्या ही करते, इन्हें 10 में से 5 अंक देता हूं। मोहम्मद सिराज ने 3 मैच खेले सिर्फ 24 ओवर डाले और फिर आखिरी मैच से बाहर गए। स्पीड अच्छी थी उनकी इन पिचेस पर मगर ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में ही इनको ओवर्स मिले, क्योंकि जब भी ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार बैटिंग करी तो रोहित ने स्पिनर्स को चांस दिए और जिस तरह से सिराज लगातार आउट होते रहे इनकी बैटिंग समस्या बन चुकी है टीम इंडिया के लिए। 2 आउट ऑफ 10 फॉर सिराज हु टुक जस्ट 1 विकेट फ्रॉम 24 ओवर्स, वो भी पहले टेस्ट के पहले दिन पे। जब शमी को रेस्ट दिया गया इंदौर मैच के लिए तो उमेश यादव अंदर आए और एक बेहतरीन स्पेल में ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करी जब दूसरे दिन पे उनके 6 विकेट गिरे सिर्फ 11 रन के लिए। उमेश ने उस स्पेल में शानदार रिवर्स स्विंग कराई जिसका जवाब नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास, मगर उसके बाद अहमदाबाद में उमेश बहुत ही ऑफ लगे जैसे कि वो पूरी तरह से फिट नहीं थे। उमेश ने 37 ओवर में 3 विकेट लिए और तीनों उसी इंदौर स्पेल में आए, सो ही गेट्स 4 आउट ऑफ 10। सूर्य कुमार यादव एक ही मैच खेले जब अय्यर इंजर्ड थे नागपुर में और अपने टेस्ट डेब्यू मैच में सूर्य खराब शॉट खेल के आउट हुए 8 बनाकर। उस एक टेस्ट मैच के लिए सूर्य को 2 पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों, इफ यू लाइक दिस रिपोर्ट कार्ड डू हिट द लाइक बटन बिफोर शेयरिंग योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी सारे क्रिकेट खबरें, स्कोर्स और अपडेट्स के लिए डू चेक आउट दैफा न्यूज और मैं आपसे मिलता हूं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के समय। तब तक टेक केयर, गुड बाय।